अब खबर आगरा से है, जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली के दौरान जमकर नोट उड़ाए गए। नोट उड़ाने वालों में शहर के पार्टी अध्यक्ष रईसुद्दीन भी थे। मौका समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती का था। इस मौके पर आगरा में कव्वाली का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन ने जमकर नोट उड़ाए। इस बाबत उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो हाल फिलहाल चुनाव न होने का हवाला दिया और फिर नोट उड़ाने को मुस्लिम रीति से जोड़ दिया। रईसुद्दीन ने कहा कि मुस्लिम रीति में दाद देने के लिए नोट उड़ाए जाते हैं और उन्होंने भी ऐसा ही किया, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। कव्वाली के प्रोग्राम में मुस्लिम रीति में एक दाद देने का तरीका होता है, उस तरीके को सारे लोग जानते हैं। इस वक्त ना तो कोई चुनाव है, ना कोई आचार संहिता है, ना किसी तरह का कोई मामला है और ना ही दिमाग में कोई ऐसी चीज़ थी। जो वो दाद देने का तरीका है मुस्लिम्स में, तो वो तरीके से कव्वाली सुन रहे थे और कलाम चल रहा था और नात का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें कुछ लोगों ने हमारे हाथ से पैसे वैसे दिलवा दिए होंगे,